के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे तो मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। 28 से 30 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार वो करने वाले हैं और सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से भी उनकी बातचीत होगी। तो बता दें 28 अक्टूबर को जबलपुर संभाग की बैठक भी लेने वाले हैं शाह। छिंदवाड़ा की जुन्नारदेव सीट पर भी जनसभा उनकी देखने को मिलेगी। तो वही नर्मदापुरम संभाग की भी बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। 29 अक्टूबर को खजुराहो में सागर संभाग की भी बैठक को लेने वाले हैं। तो वही रीवा और शहडोल संभाग की अगर हम बात करें तो वहां के पदाधिकारियों के साथ भी वो बैठक करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद उज्जैन में रोड शो उनका देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले बाबा महाकाल के दर्शन भी वो करेंगे और उज्जैन संभाग की भी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेने वाले हैं। तो वही 30 अक्टूबर की तारीख तय की गई है जब इंदौर संभाग के पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चा होगी। और ग्वालियर और चंबल संभाग की अगर बात की जाए तो यहां पर भी शाह बैठक करने वाले। इसी तरीके से ग्वालियर में कार्यकर्ता और नेताओं से भी उनका संवाद होगा, उनके साथ मुलाकात होगी। तो देखिए एक तरीके से देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और 2023 का ये जो चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर चुनावी प्रचार वो करने वाले हैं। चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो उनका दौरा काफी ज्यादा ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अलग अलग संभाग के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वो मुलाकात करेंगे और चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। इसके पहले भी हमने देखा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान जब नहीं हुआ था तब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई बार उन्होंने दौरे किए, रोड शो किया, चुनावी सभाएं भी की, लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आए थे। तो एक बार फिर से जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है,